मतलब आप एक चैलेंज मुझे ये दे रहे हैं कि आपकी मर्जी की ड्रेसिंग होगी, देखना यार। यार ये बड़े जबरदस्त हैं। दूसरा चैलेंज जो है वो आपको वहीं जाके लगेगा पता। और ये शलवार का हाल देख लो क्या है। अब ये देखना है कि सेकंड चैलेंज क्या देते हैं, तो इनसे पूछता हूँ। जी बताएं भाई सेकंड चैलेंज क्या है आपका। हाँ भाई मेरे शेरो क्या हाल है आपका, ठीक है। ये नया व्लॉग आ गया है और ये व्लॉग है चैलेंज पे, और चैलेंज ये बता दूं कि कॉन्फिडेंस पे दे रहे हैं। ये मेरा कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं और देख लेते हैं कि कौन दे रहे हैं। चलें भाई। यार चैलेंज हमने सोचा हुआ एक बहुत ज़बरदस्त। अच्छा हमने चैलेंज सोचा है कि ये हम इन्हें लेके जाना चाहते हैं एक रेस्टोरेंट में, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमारी मर्जी की ड्रेसिंग करें। अब मतलब आप एक चैलेंज मुझे ये दे रहे हैं कि आपकी मर्जी की ड्रेसिंग होगी, दूसरा चैलेंज जो है वो आपको वहीं जाके लगेगा पता। अब आपका कहने का मकसद ये है कि मतलब मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूं आपका, जाहिर करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अब ऑडियंस के लिए और अपने होनहार शेरों के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस में मैं लेक्चर दे चुका हूँ, तो चलें देखते हैं। अभी आपके लिए रखे थे संभाल, और ये शर्ट भी निकाल के लाया हूँ मैं। यार ये देखना यार, यार ये बड़े जबरदस्त हैं, पता चलेगा आपको कॉन्फिडेंस लेवल का पता चलेगा। टूट हो टूट यार शरान, ये भी बात है यार करने वाली। इन्होंने भाई ये डलवा दिया मुझे, और ये शलवार का हाल देख लो क्या है, और ये सारी इनकी कारस्तानी है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है, अल्लाह खैर करे। खैर ये मेरी टीम और मेरे दोस्त मुझे लेकर पिज़्ज़ा हट की तरफ चले गए। तो जैसे ही पिज़्ज़ा हट में दाखिल हुआ तो सबसे पहले तो गार्ड देखने लग गए, और उसके बाद फिर वहाँ के एम्प्लॉय वगैरह ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा आ गया हूँ। बहरहाल हम कॉन्फिडेंस के साथ चलते रहे, और वहाँ के जो स्टाफ था मुझे देखता रहा और उनके रिएक्शन देखने वाले थे। तो जैसे ही मैं अपर वाले स्टोरी पे गया तो वहाँ भी स्टाफ देखकर हंसने लग गए, और रिएक्शन पास किया उन्होंने। और शारान मुझे कहने लगा कि ये सब ठीक तो लग रहा है, आप ऐसी टेंशन ले रहे थे और लोग भी आपको देखकर एंजॉय कर रहे हैं। और अकमल आगे से कहने लग गया कि आप इजी होके बैठे, टेंशन ना लें। मैंने कहा चैलेंज जो है वो मैंने इनका पूरा कर दिया है, मैंने वैसे कपड़े डाले और मैं आ गया हूँ। अब ये देखना है कि सेकंड चैलेंज क्या देते हैं, तो इनसे पूछता हूँ। जी बताएं भाई सेकंड चैलेंज क्या है आपका। मेरा आई थिंक हो गया है, तो अब ना अकमल देगा सेकंड चैलेंज। अच्छा सेकंड चैलेंज अब आपको देना है, साथ में हमारे जो बैठे हैं साथ वाले टेबल पे लोग, उनके पास इसे भेजना है, और इन्हें इसने जाके उसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप हमें एक बाइट पिज्जे की दें। करता हूँ उसे जाके। और कैसे हैं भैया? आपको अल्लाह का शुक्र है। भैया आपका नाम क्या है? आपका आपका भाई कहाँ से हैं? भाई ने बताया कि हम साहिवाल से हैं और ये भाई अब्दुल हकीम से हैं। अच्छा बात इस तरह है कि मेरा नाम गौहर रहमान है, और बाकी ज़्यादा तारफ तो आपको नहीं करवाऊँगा, बस तारफ यही है कि मुझे समझ लो कि मिला है चैलेंज। चैलेंज ये है कि भाइयों ने कहा है कि आपसे मैंने पिज़्ज़ा खाना है। नहीं नहीं मैम, लास्ट पीस पड़ा हुआ था, यही पीस तो मैं खाने आया हूँ। जी भाई आप क्या कहेंगे, अब इसकी इजाज़त वैसे मांगनी ज़रूरी है क्योंकि इजाज़त के बगैर तो काम नहीं होगा। भाई कहने लगे भूख बहुत लगी हुई है। सही बताऊँ तो मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी क्योंकि मांगने में आपको पता है कि फिर अब मैं सोच रहा था कि जवाब क्या दूं इसका। पिज़्ज़ा वैसे रजन वाल से तो नहीं होता है यार। तो रजन तो भैया क्या आप चले ले ले प्लीज, आप क्या देंगे? हम आपको भाई दुआ देंगे। आप मेरा हुडिया देख रहे हैं ना, आप हमसे ले ले 10 20 दुआ है पिज़्ज़ा रहने। सितारा को पिज़्ज़ा भैया किसे बिल बनाया, आप आ गए, आपको दूसरे चैलेंज दिया उनसे कहीं। और कमाल की बात तो ये है कि मैं भाइयों से फर्स्ट टाइम मिला हूँ। होना इस तरह ही चाहिए वैसे। भाई ने कहा कि आप हमें मामू तो नहीं बना रहे? यार चैलेंज दिया मैं कैसे बताऊँगा मामू क्यों बना रहे हैं। चैलेंज ये मिला है कि भाइयों से जाके आपने पिज़्ज़ा खाना है। तो और भी भाई तो वो नहीं यार, वो भाई मुझे आप जैसे ही ना लगे। नहीं वो भाई मुझे आप जैसे ही ना लगे। जी पहले तो भाइयों ने पिज़्ज़ा देने से मुझे इनकार कर दिया और मैं फिर उठ कर जाने लगा। ठीक है बहुत शुक्रिया यार, आपने हमारा पीस बख्शा।
अच्छा कैच भाई आप डाल के देंगे वो दूसरे वो डाल भाई जान भाई ने मुझे दोबारा से बुलाया और कहा कि हम मजाक कर रहे थे आप ये खा लें, तो मैंने कहा कि हम इसको बांट कर खाते हैं, तो फिर हमने इसे काटा और बराबर में बांट कर खा लिया और फिर बाद में हमने तारुफ करवाया अपना एक दूसरे के साथ और ये ऐसे अच्छी दुआ सलाम बन गई और पिक्चर्स वगैरह भी ली और एक वीडियो भी बनाई ताकि आप लोगों को दिखा सकें और ये बता सकें कि ताल्लुकात बनाना इखलाक पर होता है, आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए, आपके ताल्लुक बन जाते हैं, लोग सभी अच्छे होते हैं जी। तो जैसा कि जनाब आपने मुझे चैलेंज दिया था आपने कंप्लीट कर लिया, मैंने तो मैंने वो कंप्लीट कर लिया है, हमें खुशी हुई, बाकी हमें कॉन्फिडेंस है। इसमें एक सबक था ना जी, वो आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या सबक जी। देखें बात ये है, सबक ये है, आप जो हैं जैसे भी हैं बस खुद पर भरोसा रखें, लोग आपका हकीकी अंदर देखते हैं कि आप अंदर से कैसे हैं, आपका इखलाक देखते हैं, आपका इखलाक देखते हैं कि आपका इखलाक कैसा है। कभी भी उस पर ना जाएं कि आपके पास कपड़े ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बस अपने अंदर एक एतमाद रखें, अल्लाह पे यकीन रखें और खुद पे यकीन रखें। यही आज का था, कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा यही सीन है कि अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, आप जो हैं जैसे हैं खुद को सिलेक्ट, खुद को एक्सेप्ट करें और ये देख लें, यकीन करें, ये देखें, ये इन्होंने मेरा उठिया देख लो क्या है, ये देखिए आपके सामने है और ये मैंने इस वजह से बनाया है कि मैं दिखाऊं आपको कि हकीकत क्या है। हकीकत यही है कि आप खुद से प्यार जब करेंगे तो लोग सभी आपसे प्यार करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।